पेंशन, पुरानी पेंशन, सड़कों पर उतरे ये उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं और जितने भी शिक्षक हैं वो सब सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये फिर वही मांग दोहरा रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए और इसी को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सालों से ये मांग चल रही है, सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम लागू की है उससे भी संतुष्ट नहीं है। इनका ये कहना है कि अगर हमको कुछ देना चाहते है सरकार तो पुरानी पेंशन दे, क्योंकि सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अभी शिक्षकों का या कहें कि राज्य कर्मियों का डीए बढ़ाया गया और उसके बाद दीपावली का बोनस भी दिया जा रहा है, लेकिन दीपावली के दौरान ही ये शिक्षक सड़कों पर हैं और इनको लगता है कि इनकी ये मांग सुनी जाएगी, पूरी की जाएगी और इसीलिए लगातार ये जो है अपना आंदोलन चला रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आंदोलन कर चुके हैं, अपने हक में आवाज़ बुलंद कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग सुनी नहीं गई है और ये कहा जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा का नतीजा है उसमें भी एक बड़ा रोल, यानी कि बीजेपी की जो 400 पार का नारा था बीजेपी का, उसमें जो कमी आई है या वो सीटें कम हुई हैं उत्तर प्रदेश में, जो उसको मुंह की खानी पड़ी है, उसके पीछे शिक्षकों की नाराजगी यानी ओल्ड पेंशन को लेकर शिक्षक जिस तरह से नाराज हैं वो भी एक बड़ा कारण है। और देखिए किस तरह से शिक्षक जो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए छाता लेकर और शरीर एकदम नंग धड़ंग, एक तरह से कहा जाए शरीर के साथ, अपने हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि हम जो अगर कुछ चाहते हैं तो पुरानी पेंशन चाहते हैं, सरकार से हमको और कुछ नहीं चाहिए, पुरानी पेंशन सरकार बहाल कर दे और तब हम जो है मानने के लिए तैयार हैं, तब हम सरकार की बात मानेंगे। लेकिन जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग जो है इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। और एक तरह एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी हो रही है, संविधान का हवाला दे रहे हैं शिक्षक, संविधान का हवाला दे रहे हैं, जिस तरह से देश में विपक्ष की ओर से संविधान की बात की जा रही है तो संविधान का हवाला दे रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, यानी शिक्षकों की ओर से हर वो काम किया जा रहा है, हर वो गुहार लगाई जा रही है या हर वो चाल चली जा रही है जिससे इनकी पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, या कहें कि जो एक पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम सरकार इंट्रोड्यूस करने जा रही है उसको लेकर ही सरकार का कहना है कि ये एक अच्छी योजना है और इससे शिक्षकों को या कहें कि जो कर्मचारी हैं, चाहे केंद्रीय हों चाहे राज्य के कर्मचारी, उन सब का फ़ायदा होगा।